वैसे मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला हूँ जिसका नाम बड़ा है जलंधर के पास पंजाब, मगर उससे मेरी शुरुआत हुई कि मैं पहले ड्रामा किया करता था, उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे अपनी लाइफ में और कुछ करने लग पड़ा तो इस चैप्टर को मैं भूल गया, मगर स्टिल मेरे मन में रहता था ये मैं कुछ करना है। मगर 2011 में मुझे मौका मिला इधर आने का बॉम्बे में, तो मैं रोशन धनुजा से एक्टिंग सीखी। मैं एक्टर भी हूँ और कुछ जगह से मैंने काम भी किया, बहुत सारे सीरियल किए। सबसे पहले बबलू जी रॉबर्ट साहब जिन्होंने पहला मौका दिया मुझे, जो कि सीरियल का नाम था माँ विधवाश्री, माँ विधवाश्री, उसमें मैंने छोटा सा पार्ट अदा किया। उस टाइम मैं पढ़ाई ही करता था रोशन धनुजा, उसके बाद मेरी शुरुआत हो गई, बहुत सारे सीरियल किए और एक पंजाबी में मूवी भी की मैंने और एक हिंदी में बबलू साहब ने करवाई थी जिसका नाम था रसिक बर्मा। अच्छा, रसिक बर्मा। ओके, रसिक बर्मा क्या उसमें 2016 में किया, ये है क्राइम की दुनिया, क्राइम की दुनिया, ये है क्राइम की दुनिया, ये है क्राइम की दुनिया। तो उसमें क्या हम लोग काफ़ी सारे ढेर सारे एपिसोड शूट कर रहे हैं, हाँ, जो कि 16 दिसंबर को रिलीज करना, वो कंटिन्यू होंगे और मेरा ख्याल है कि आप ये पसंद करेंगे और मैं चाहता हूँ कि हम आपका आशीर्वाद लेते हुए हम बनाते जाएंगे और आप देखते जाएंगे। तो आप चूँकि एक्टर भी हैं, निर्माता हैं इसके, तो एक्टिंग भी में भी करेंगे आप इसमें, एक दो शो में नजर आएंगे आप? अगर कुछ मौका मिला तो जरूर करेंगे, नहीं तो वैसे दूसरे सीरियल में जो कि मेरे पाजी की लव स्टोरी का सीरियल है उसमें मैंने फुल काम किया है। पाजी की लव स्टोरी, हाँ, वो उसमें मैंने, वो वेब सीरीज है वो, अच्छा, वो भी रिलीज करेंगे, उसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई। तो मेरे साथ कमल जी हैं जो बड़ी नियम आते हैं, वो मेरे बड़े भाई बने, तो हम दोनों ने मिलकर। अच्छा, क्राइम स्टोरी में क्या होता है, काफ़ी बहुत कुछ हिंसा दिखाई जाती है, खून खराबा ये वो, तो इसमें भी आपने दिखाया है उस तरह की चीज़ें? हाँ, कुछ है उसमें भी थोड़ा सा, मगर उसमें थोड़ा सा कॉमेडियन टाइप का। अच्छा, कॉमेडी रूप में दिखाया है आपने, बाकी पुलिस की तहकीकात दिखाई जाए। तो इधर तो आप जानते हैं क्राइम कैसे चलता है, बहुत सारी सीन आते हैं ऐसे कि जो छोटी छोटी चीज़ों से परिवार भी बिछड़ जाते हैं और भी प्रॉब्लम होती है जिसमें कि पुलिस वालों का सहारा नहीं होता, तो ऐसे काफ़ी सारे हमने। और उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं, जो आपके डायरेक्टर हैं उनके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? ये मेरे से कम नहीं तो 11 साल से जुड़े हुए हैं, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो ये उन्होंने पहले ही मुझे बोला था कि ये काम करते हैं, मगर जब समय होता है ना तभी शुरू होता है, इसलिए इसके बड़ा मान करते हैं, इन्होंने मुझे इस भाई में डाला। अभी आगे भी आप लोग शूट करते रहेंगे अभी इसका? मैंने कहा कि पूरे साल के हमने बनाकर रख लिए, तो आगे भी पूरी जब तक लाइफ है चलता जाएंगे, जैसे आप मौका देंगे हमें, यू नो आशीर्वाद देंगे तो हम बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम यतिंद्र रावत है, लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में लोग सब मुझे बबलू रावत के नाम से जानते हैं, और मैं तकरीबन 30 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। क्या शूट कर रहे हैं आप लोग बताएंगे? जी, एक नया यूट्यूब चैनल लेकर हम आ रहे हैं और आप लोगों की शुभकामनाएं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। हमारे चैनल का नाम है ये क्राइम की दुनिया, और उसके बाद शो मतलब क्राइम शो की शूट कर रहे हैं आप लोग? जी जी, बिल्कुल। कौन कौन कलाकार और यहाँ पे हैं? आज इत्तेफाक से कहानी में काफ़ी एक्टर्स हैं जो जिनमें से कुछ लोग शूटिंग करके चले गए हैं, हाँ। जैसे जो सीनियर एक्टर में आप कह सकते हैं विनोद त्रिपाठी हैं, और आप ये लग रहा रंजीत हैं, और अभी जो मैं एपिसोड करने जा रहा हूँ उसमें किरण वर्मा जो अपने आप में एक नामचीन एक्ट्रेस हैं, और 4 बजे के बाद हमारी दो बड़ी एक्ट्रेस आने वाली है, एक का नाम प्रिया है और दूसरे का रिधिमा तिवारी।
और जो आपके निर्माता हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि हर आदमी को एक ना एक दिन बूढ़ा होना है, क्योंकि जीवन की सच्चाई है। मगर फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक NRI का जो इंडियन है, जो विदेश में रहकर भी मैं कला से और उस क्षेत्र से प्यार है, 70-72 साल की उम्र में उनके पास वही जज्बा है जो हमारे बच्चन साहब के पास है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के लोग का इन्वॉल्वमेंट अगर हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री में रहा तो हम टेक्नीशियन हो गए या हमारे कलाकार भाई हो गए, उन्हें ढेर सारा काम मिल सकता है। तीरथ जी के लिए मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक निर्माता होने के पहले वो अपने आप को कलाकार समझते हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास रहता है कि एक कलाकार की, एक टेक्नीशियन की क्या ज़रूरतें हैं, उन्हें किस तरह से रखना चाहिए। और वो कभी ये नहीं शो करते हैं, वो निर्माता है, उन्हें लगता है कि निर्माता कोई नहीं होता, उन्हें लगता है कि जब एक टीम चलती है तो सभी को सक्सेस मिलती है। प्लेयर कोई भी मैच नहीं जीता सकता जब तक टीम साथ में नहीं। थैंक यू। Thank you so much.